Hello my love, welcome back to my channel. So guys, मैंने ये look create करा है without using any foundation और मैंने सिर्फ 5 product use किए हैं. So if you are interested to see ये मैंने look कैसे create करी है, then please keep on watching. So first step है guys, obviously moisturize करना skin को. तो मैं यहाँ ये use कर रही हूँ Believe का moisturizing balm. इसका review आपने latest channel पे देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख सकते हो. So ये बहुत अच्छे से skin को hydrate करता है if you have dry or flaky skin. So अच्छे से इसको massage कर लेंगे. So guys, यहाँ मैं सबसे पहले ले रही हूँ ये concealer. ये Maybelline Fit Me range से है. ये मैं 10 light shade में हूँ तो मैं इसको सिर्फ वहाँ लगाऊँगी जहाँ मुझे ज़रूरत है, like just where I need it, like under eye circles पे. जब आप देख सकते हो थोड़ी सी darkness है और मेरी eye के upper lid पे भी darkness है, तो मैं सिर्फ इसको वहीं लगाऊँगी जहाँ मुझे need है. So, अब हम कर लेंगे इसको blend किसी भी normal sponge या beauty blender से. यहाँ हम कोई baking और loose powder, setting powder से इसको set नहीं करेंगे because वो मेरी dry skin पे suit नहीं करता है. So, इसको अच्छे से blend कर लेंगे. And मैं, आप देखोगे मैं इसको जैसे जो भी rest over है, left over बचा होता है sponge पे, मैं उसको बाकी के जो face का area है उस पे भी उसको dab off करूँगी, जो भी excess बचा है. Obviously थोड़ा बहुत ही amount बचा होता है उस पे, but जो भी sponge पे बचा हुआ है मैं उसको all over, जैसे आप देखो all over पे, इस पे इसको अच्छे से मैं spread कर दूँगी बहुत ही light hand से, ज़्यादा heavy नहीं. So next में guys, ये Miss Clear का brow pencil है, इससे मैं अपने eyebrow set करूँगी. ये बहुत ही affordable है, hardly I guess 150 or 200 rupees में आता है. और आप देखोगे इसके साइड, एक साइड पे brush है और दूसरी साइड color है, and आप देखो बहुत अच्छे से आपको ये result देता है, see the difference. And अभी दूसरी साइड भी इसको set कर लेते हैं. We are done. नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, अगेन मेबलिन की ही रेंज से है. ये भी हाइपर कर्ल और वॉल्यूमिनस मस्कारा है. ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है गाइज, ये आपकी आईज़ को बहुत अच्छे से लेंथ देता है और बहुत अच्छे से वॉल्यूम देता है. यहाँ मैंने अभी आई लैश कर्लर यूज़ नहीं किया है, बट स्टिल यू कैन सी बहुत अच्छे से लेंथन अप कर रहा है और आईज़ को काफ़ी अच्छे से ओपन कर रहा है. मैं यूजली फेक आई लैशेज नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे पर्सनली नहीं पसंद, मुझे बहुत हैवी फील होता है. मैंने एक बार लगाई थी ज़िंदगी में. सो मुझे अब ये, जब से मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ तो मुझे यही ऐसे ही ये रिज़ल्ट अच्छा लगता है, बिकॉज़ नेचुरल फिनिश आती है. एंड फेक आई लैशेज ऑब्वियसली फेक हैं तो बहुत ही फेक ही फेक लगता है फेस. सो ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिख रहा है. सो सी, बहुत अच्छे से इसने आईज़ को ओपन अप कर दिया है. ओके, सो आई थिंक वी आर डन. Yeah, it's looking pretty fine. Yes, so next step, I'm gonna apply the kajal. Again from the Maybelline, ये इनका gel kajal है. इसको आप as a liner भी use कर सकते हो. And अगर आपने मेरा video नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया था makeup essentials और recommendations में जिसमें आपको दिए थे, उसमें मैंने आपको ये kajal बताया था. ये kajal बहुत अच्छा है guys. मैं इसको I think पिछले 7-8 साल से use कर रही हूँ and I just love this one. सो मैं इसका एक अच्छा सा कोट लगाती हूँ एंड देन इसको अच्छे से स्मज कर देती हूँ, सो दैट यू नो ये फैले नहीं. वैसे फैलता नहीं है बट स्टिल यू नो स्मज किया हुआ चीज़ अच्छा लगता है. सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये लिपस्टिक. मैं इसको एज अ ब्लश और यूज़ करूँगी. ये मैक की रिलेंटलेसली रेड वाला लिपस्टिक है. सो इसको चीक्स पर अप्लाई करेंगे. आई नो ब्लश नहीं मैं लगा रही हूँ, इसी को ब्लश की तरह यूज़ कर सकते हो आप. बेसिकली जो क्रीम्स होती हैं, ये लिपस्टिक्स होती हैं, दे आर जस्ट एक्ट एज यू नो क्रीम ब्लश. सो अभी दोबारा ट्रेंड आ गया है, सो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लश खरीदने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी किसी भी लिपस्टिक को यूज़ कर सकते हो. अभी मैं इसी लिपस्टिक को ही यूज़ करने वाली थी अपने लिप्स पे, बट यू नो देन आई रियलाइज कि मेरा आउटफिट बहुत ब्राइट है एंड लिपस्टिक भी फिर बहुत ब्राइट हो जाती. सो दैट्स वाई आई चोज दिस कलर बार का. ये लिप लाइनर है, बहुत ही न्यूड शेड है, ये लाइट पिंक कलर है. सो इसी से मैं अपने लिप्स को फिल कर लूँगी सो दैट यू नो थोड़ा न्यूट्रल लगे, बिकॉज अगर रेड कलर लगाती तो रेड एंड रेड बहुत ही ओवर लगता. सो दैट्स वाई मैंने ये न्यूड शेड पिक किया है एंड आई थिंक इससे ये ज़्यादा अच्छे से लुक निखर के आ रही है, थोड़ी नेचुरल सी लुक नज़र आ रही है. सो या आप थोड़े से बाल खोल लेते हैं, ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं हूँ, मोस्टली बस खोलो एंड वी आर डन.
सो आप देखो ये बहुत ही स्किन लाइक मेकअप हुआ है, आप स्किन को अच्छे से अंदर से देख सकते हो, बहुत ही नेचुरल सी फिनिश आई है एंड आई लव दिस वन। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय।